हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न, करारे कॉर्न। ये मैंने पैन रख दिया है, इस पे पानी गर्म होने के लिए इस पे मैं डालूंगी 3 कप, 3 कप नहीं, 2.5 कप के आसपास पानी डालूंगी। 2 हो गए हैं, हाफ और डालूंगी। ये मैंने डाल दिया 1 कप पानी, और अभी मैं इसको ढक देती हूँ। ये इसमें बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें कॉर्न डालेंगे। स्वीट कॉर्न, क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बना रहे हैं आज हम। देखना, अभी मैंने ढक दिया है, बॉईल आ गया। अब इसमें हम कॉर्न डाल देते हैं। ये आप सब्जी की दुकान पे ले, कहीं भी मिल जाते हैं इजीली। ढक दिए, 5 5 मिनट में अब तैयार होने वाले हैं। और आप मेरी बाकी वीडियो देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अपना प्यार मुझे देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। देखो इसमें बॉईल आ गया है और कॉर्न भी काफ़ी फूले फूले लग रहे हैं। अब हम इसको छान लेंगे, अभी देखते हैं। ये मैं यहाँ रख के इसलिए छान ली हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि यहीं छान दूं। कैमरा यहीं सेट था तो इसलिए मैंने यहीं छान दिए इसमें। अभी मैं इस पानी को अलग रख दूंगी, तो छन्नी की मदद से छान, इनका सारा पानी ड्रेन होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जब तक वो थोड़े ठंडे हो रहे हैं मैं कढ़ाई रख देती हूँ। ये वही कढ़ाई है जो मैं खरीद के लाई हूँ, आज पहली बार इसमें कुछ बन रहा है। अब देखो ये कॉर्न है, ये मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच अरारोट। अरारोट समझ रहे हैं ना आप, अरारोट। ठीक है, ये मैंने इसमें 2 चम्मच डाल लिया। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, ये जो बाकी बची है ये मैं बाद में डालूंगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी, ये नमक भी थोड़ा सा बाद में डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब जो पाउडर है ये सब इसी में चिपक जाएगा। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, अब हम डालते हैं। ये देखो ये अच्छे से चिपक गया है ना सारा, ऐसे ही आप भी कर लें। अब ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और तेल काफ़ी गर्म हो रखा है। अब मैं इनको हल्के हाथ से इनको ऐसे अलग अलग कर दूंगी, ये क्रिस्पी हो जाएंगे करारे ऐसे ही हल्का हल्के हाथ से। और अगर आप जैसे अभी एक दाना चटक गया ऐसे इसे ढक देना है थाली से, नहीं तो ये फिर चटक के मुंह पे भी लग सकता है, तो इसलिए हल्का इसे ढक दो। देखो ये करारे हो गए हैं, आप इसे इन्हें ऐसे निकाल लें। ठीक है, एक छन्नी में निकालेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल नीचे निकल जाता है। अब ये मेरा सेकंड घानता, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने गैस मंदी कर ली थी तो थोड़ा, देखो अब की बार नहीं चटक रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे। इनको एक बार के क्रोन क्रिस्पी होने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है आराम से। ठीक है, देखो ये भी क्रिस्पी हो गए हैं। अब ये इन्हें निकाल लें, ऐसे सारा ऑयल निकल जाएगा। तब ये सारे निकाल के अब इसमें एक साथ डाल लें सारे। ठीक है, ये इधर रखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये एक कटी हुई हरी मिर्च है, इसको डाल लें। जो 1 पिंच नमक बचा था वो, 1 पिंच रेड लाल मिर्च बची थी ये डाल लें। चाट मसाला मेरे पास था नहीं, नहीं तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी प्याज डाल लें, बाकी गार्निशिंग के लिए काम आएंगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, अब इसे प्लेट में डालें, सर्व करने के लिए तैयार है ये। आप इसे डालें और इसके पे ये जो एक्शन हमारी प्याज बची है ये इस पे डाल दें अच्छे से। ठीक है, और इसे थोड़ा सा धनिया रख दें, कटा हुआ नींबू रख दें। लो फ्रेंड्स, खा लीजिए, एंजॉय करिए क्रिस्पी कॉर्न, आइए और खा लीजिए। और अगर आज मेरा सुंदरकांड में जाना हुआ, पहले मैंने ये रेसिपी बनाई फिर मैं सुंदरकांड में गई, हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ सुंदरकांड था। Thank you.